मोबाइल मार्केट की बात शायद रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती पैदा होने वाली है। टेलीकॉम मार्केट पर काबिज इस तिकड़ी को कड़ी टक्कर देने के लिए अब सरकारी कंपनी बीएसएनएल ने कमर कस ली है। दरअसल सरकार ने तगड़े घाटे में चल रही बीएसएनएल पर बड़ा दांव चलने का मन बना लिया है। रणनीतिक तौर पर अहमियत को देखते हुए पब्लिक सेक्टर की कंपनी बीएसएनएल को फिर से खड़ा करने का सरकार का प्लान है। इसी कड़ी में बड़ी खबर ये है कि केंद्रीय कैबिनेट ने बीएसएनएल के लिए 89,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दे दी है। बुधवार को एक प्रेस रिलीज में इस फैसले की जानकारी दी गई। इस पैकेज का इस्तेमाल बीएसएनएल के 4G और 5G सर्विसेज की लॉन्चिंग के लिए किया जाएगा। जाहिर है 4G और 5G के मैदान में बीएसएनएल के चुनौती पेश करने से जियो और एयरटेल की पूरी बादशाहत हिल सकती है। इसकी वजह यह है कि सरकार ने अब बीएसएनएल के पीछे मजबूती से खड़े होने का फैसला कर लिया है। बीएसएनएल का नेटवर्क पूरे देश में है और ऐसे में उसके लिए इस मार्केट में निजी कंपनियों को चुनौती देने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। इस कड़ी में एक अहम खबर यह भी है कि सरकार टेलीकॉम सेक्टर में दूसरी सरकारी कंपनी एमटीएनएल को बंद कर सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार की मंशा एमटीएनएल का पूरा कामकाज बीएसएनएल में ट्रांसफर करने का है। पहले सरकार का इरादा इन दोनों कंपनियों को मर्ज करने का था। एमटीएनएल के लगातार बढ़ते लॉस और इस पर कर्ज के ऊंचे बोझ के चलते सरकार ये फैसला लेने का मन बना रही है। एमटीएनएल को बंद किया जाएगा और चूंकि ये एक लिस्टेड कंपनी है, ऐसे में सरकार इसके शेयरों को भी डीलिस्ट कराने पर विचार कर रही है। बीएसएनएल लिस्टेड कंपनी नहीं है और सरकार का इसे लिस्ट कराने का इरादा भी नहीं है। एमटीएनएल को 2022-23 में 2,910 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। इससे एक साल पहले कंपनी का लॉस 2,602 करोड़ रुपए था। इसके उलट बीते कुछ वर्षों में बीएसएनएल की वित्तीय हालत सुधरी है। 2021 में सरकार ने बीएसएनएल को 1.64 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया था। मिंट की एक खबर में एक सरकारी अफसर के हवाले से कहा गया कि बीएसएनएल ने 7,000 करोड़ रुपए के बैंक लोन वक्त से पहले चुकाए हैं और कंपनी का इरादा अगले साल से 5G सर्विसेज को भी शुरू करने का है। 2021-22 में बीएसएनएल का रेवेन्यू 19,052 करोड़ रुपए था, जो कि 2022-23 में बढ़कर 20,700 करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि कंपनी का लॉस इसी अवधि में 6,981 करोड़ रुपए से बढ़कर 8,161 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सरकार भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी BBNL का भी बीएसएनएल में मर्जर कर चुकी है। इस मर्जर के साथ बीएसएनएल की ऑप्टिकल फाइबर केबल्स 5.67 लाख किलोमीटर तक की हो गई हैं। इनके जरिए 1.85 लाख गाँव पंचायतें भी कवर की जा चुकी हैं। बीएसएनएल सरकारी कंपनी ITI को 3,889 करोड़ रुपए का परचेज ऑर्डर भी दे चुकी है। इसके जरिए 4G नेटवर्क लगाया जाएगा। बीएसएनएल को 89,000 करोड़ रुपए का सरकारी पैकेज मिलने की खबर का असर एमटीएनएल के शेयरों पर भी दिखाई देगा। एमटीएनएल के शेयर में बुधवार को जबरदस्त तेजी आई। कारोबार के दौरान एमटीएनएल के शेयर 13% चढ़कर 22.80 रुपए के लेवल पर पहुंच गए थे। कारोबार बंद होने पर एमटीएनएल के शेयर 10.53% की तेजी के साथ 22.05 रुपए पर बंद हुए। कुल मिलाकर सरकार के बीएसएनएल को फिर से रिवाइव करने के लिए 89,000 करोड़ रुपए का पैकेज बेहद अहम साबित हो सकता है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस पैकेज के मिलने के बाद बीएसएनएल इस मार्केट के दिग्गज रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को चुनौती दे पाएगी या नहीं।